हाँ तो बच्चों, आज आपको पता है ना आज क्या है? हाँ जी मैम, आज माता रानी का पहला नवरात्रा है। हाँ तो माँ शेरों वाली का मैंने व्रत रखा। अरे वान जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और तुम दोनों बंटी बंटा, तुम लोगों ने व्रत नहीं रखा? सॉरी मैम, मारे घरों ना तड़की चाप पकौड़े बन रहे थे और मन्ना तो उठते ही खा दिए। मैं तो नूना रहा बरती। और मैं नंदी मन्ने भी ता दिए। मम्मी ने मुझे बाद में बताया कि आज बेटा पहला नवरात्रा, तो मैं तल तो ले लूंगा मैं नंदी बलती। तुम दोनों भी ना एक नंबर के भुक्कड़ हो। और तुम दोनों गोलू मोलू, तुमने व्रत रखा, तुम भी पकौड़े खा के आ गए। मैडम जी, हमने खाया तो कुछ भी नहीं है, पर हमें ये बताओ ये नवरात्र के त्योहार क्यों मनाए जाते हैं? अच्छा बच्चों, तो आपको पता नहीं, आपके पेरेंट्स ने आपको नहीं बताया? कोई बात नहीं, आज मैं आपको माता रानी के नौ रूपों के नाम गिनवाती हूँ। माता रानी के पहले अवतार का नाम है कुष्मांडा। क्या है बच्चों? कुष्मांडा। और दूसरे अवतार का नाम है चंद्रघंटा। क्या है बच्चों? चंद्रघंटा। हाँ तो बंटा, तुम यहाँ पे आओ और माता रानी के अवतारों के नाम गिनवाओ। मैडम जी, तीसरे अवतार का नाम है ब्रह्मचारिणी, चौथे का है शैलपुत्री, पांचवे का है स्कंद माता, छठे का है कात्यायनी, सातवे का है कालरात्रि, आठवे का है महागौरी, और मैडम जी नौवे का सबको पता ही है, हमारी प्यारी शेरवाली माता। अरे बाबंटा, आपने तो कमाल कर दिया। जाओ बेटा, अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ आप। ठीक है मैम। हाँ तो बच्चों, आज मैं आपको नवमी आरती के बारे में बताती हूँ कि ये त्योहार क्यों मनाया जाता है। महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था और वो अमर होना चाहता था, इसलिए उसने ब्रह्मा जी की कठोर तपस्या की और ब्रह्मदेव उसकी तपस्या देखकर खुश हुए और उसको दर्शन दिए और बोले, बच्चा तुम्हें क्या चाहिए? और महिषासुर ने अपने अमर होने का वरदान मांगा और महिषासुर की बातें सुनकर ब्रह्मा जी बोले, इस संसार में जो भी आया है उसका मरना निश्चित है और इसीलिए जीवन और मृत्यु ये दो चीज छोड़ के तुम कुछ भी मांग सकते हो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने बोला, ठीक है प्रभु, कि मेरी मृत्यु ना कोई देवी कर सके, ना कोई देवता और ना कोई इंसान। और ये सारी बातें सुनकर ब्रह्मदेव ने महिषासुर को वरदान दे दिया और वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया और देवताओं पर आक्रमण कर दिया। सभी देवता घबरा कर ब्रह्मा विष्णु महादेव के पास चले गए और ये बातें सुनकर महादेव और विष्णु ने कहा, ये वरदान तो स्वयं ब्रह्मा जी ने दिया है और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। और सभी देवताओं ने मिलकर माँ आदिशक्ति की आराधना की और ब्रह्मा विष्णु महेश के अंदर से एक रोशनी निकली और उस रोशनी ने बहुत ही सुंदर नारी का रूप धारण किया और वो सुंदर नारी और कोई नहीं, स्वयं माता दुर्गा थी। और माँ दुर्गा को देखकर महिषासुर उन पर मोहित हो गया और महिषासुर ने माँ दुर्गा के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा और माँ दुर्गा ने महिषासुर को लाख बार समझाया लेकिन वो नहीं माना। फिर माँ दुर्गा ने महिषासुर के सामने शर्त रखी, अगर तुम्हें मेरे से विवाह करना है तो मेरे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। और ये युद्ध लगातार 9 दिन तक चलता रहा और 10वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया और तब से ही नवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। बोलो जय माता दी। Yeah!